कॉलर हैं सुषमा दिल्ली से हमारे साथ। स्वागत है सुषमा आपका। सर जी नमस्कार। जी जी आदाब। नमस्कार हकीम साहब। जी आदाब आदाब। हाँ जी आवाज हकीम साहब, मुझे ना कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है। मैंने होम्योपैथी दवाई वगैरह भी कराई है, तो दवाइयाँ लेती हूँ तो ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद फिर वही पेट जो है अनिजी रहता है। बेटा अपनी एज बता दीजिए, कब से हो? 40 साल। कब से ये परेशानी है? ये मुझे काफी टाइम से ये हो गया, मुझे 5-7 साल आराम से। अच्छा बेटा, मैं एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ कि जिसको आप शुरू करेंगे जिस दिन से, उसी दिन से फायदा होने लगेगा। लेकिन थोड़ा संयम आप रखिएगा, क्योंकि ये आपके सिस्टम को, कब्ज के, आंतों के, मैदे के, हजम के, एसिड के, सबके सिस्टम को ज़रूरत के मुताबिक लाता है। तो आपको लेना है, देखिए, सौंफ, धनिया, अलसी, सौंठ, अजवाइन। सौंफ, धनिया, अलसी, सौंठ और अजवाइन, और 100 ग्राम, ये सब 100-100 ग्राम लेने हैं। घर में पाउडर बनाना है, आपने घर में नहीं बनाया तो मैं जिम्मेदार नहीं। और इसमें आपको मिलाना है कलौंजी का नमक। कलौंजी का नमक, नमक कलौंजी भी कहते हैं, और ये एस्टेक कलौंजी होता है, यानी उसका कलौंजी से निकला हुआ एक नमक टाइप की चीज़ होती है, जिसे एस्टेक कहते हैं इंग्लिश में। ये भी 100 ग्राम लेके इसमें मिला दिए। ये जायके में नमकीन नहीं होता, वैसे इसे नमक कहते हैं, लेकिन ये नमकीन नहीं होता जायके में, बल्कि खारा पानी जैसा इसका जायका होता है, या हल्का सा कड़वा। तो इसमें मिलाकर आप मिक्स करिए इन्हें, और एक छोटा चाय का चम्मच, जिसमें 3-4 ग्राम दवा आती है, वो सुबह और शाम खाने से पहले, खाने के बाद, जैसे आपको आसानी हो। आप जिस दिन से लेंगे उसी दिन से आपको फ़ायदा शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको ये ख़त्म कर लेना है ताकि आपकी बीमारी जड़ से निकल जाए और आप हमेशा सेहत की ज़िंदगी गुजार सकें। नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। पूजा है हमारे साथ मथुरा से। स्वागत है पूजा आपका। जी हाँ जी, सवाल कीजिए। हाँ वो मैं देख रही थी, जी पेट में दर्द होता है बहुत। ठीक है पूजा, आप हैं लाइन पर? हाँ। क्या सर में दर्द है, पेट में? अरे मेरे सिर में दर्द होता है। अच्छा, एज और बता दीजिए अपनी। एज मेरी 18 साल की है। और बहुत कम है आपकी एज, और सर में दर्द होता है। कोई आपको ज्यादा परेशान करता है घर में, भाई बहन या कोई? देखिए, सुबह को उठें, और जब आप पेस्ट वगैरह कर लें तो फिर आपको एक काम करना है। देखिए, आधा चम्मच से भी कम जीरा, आधा चम्मच सौंठ और आधा चम्मच धनिया, ये पानी में उबालना है 2 गिलास पानी में, और जब ये आधा रह जाए तो इसको पीना है, और इसका जो बचा हुआ इसका फुजला होगा ये रखना, ऐसे शाम को भी इसे पीना है। आप हफ्ता दो हफ्ता करेंगे तो आपको फ़ायदा मुमकिन है।